फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं या फिर आप गोप्रो यूज़र हैं या फिर किसी भी टाइप के एक्शन कैमरा के यूज़र हैं, DSLR यूज़र हैं। जो भी ज्ञान आज हम आपको देने वाले हैं ये हर एक टाइप के यूज़र्स अप्लाई कर सकते हैं अपने कंटेंट को क्रिएट करने में। तो सबसे पहले आता है लेफ़्ट राइट मूवमेंट बी रोल। यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपने स्मार्टफोन को आपको हैंडल कैसे करना है, कैसे इसको पकड़ के रखना है। आपको सिर्फ ये अंगूठा, ये वाली उंगली और ये वाली उंगली, ये तीन उंगली का यूज़ करना है बोथ साइड से, इधर की तीन और इधर की तीन। इसके अलावा ये दो उंगली का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको ये दो उंगली से ऐसा पकड़ना है इसको, ये दो उंगली से ऐसा पकड़ना है। इसको पकड़ने के बाद में ये उंगली से आप ऐसे करेंगे। अगर आप ये तीन उंगली का ही सिर्फ यूज़ करेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप जो भी बीरोल सिनेमैटिक शॉट्स को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो बिल्कुल ही स्मूथ रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल भी शेकी नहीं होगा वो। तो जी इस तरह से आप पकड़ लोगे। तो लेफ़्ट राइट में क्या करना है आपको, यहाँ पर भी आपको एक एग्जांपल के लिए वीडियो आएगा तो उस पर भी ध्यान रखना एंड मेरे मूवमेंट पर ध्यान रखना। तो जी इस तरह से आप पकड़ेंगे और ऐसा बहुत आगे लाना है, ये जो अपना हैंड है ना, पूरे हैंड को आगे ले आना है। ये आप देख पा रहे होगे, इस तरह से पूरा हैंड को आगे रहना चाहिए एंड फिर आप इसको इस तरह से लेफ्ट एंड फिर राइट। ओके, तो ये लेफ्ट राइट जो होगा ना, इस तरह से जब आप शूट करोगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से आएगा। तो अभी बात करते हैं अप डाउन की। तो अप डाउन में भी आपको सेम इसी तरह से हैंडल करना है और इसमें आपको क्या करना है, ये वाला अप फिंगर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है क्योंकि यही आपके कैमरे को टिल्ट करने वाला है। अगर आपको अप करना है तो इस फिंगर से आपको फोर्स लगाना है कुछ इस तरह से एंड इस तरह से आप इसे अप ले जाएंगे, या फिर आपको डाउन करना है तो सेम थिंग ऐसा डाउन करना है आपको। और इस तरह से आप जब डाउन अप करोगे ना, तो आपका जो भी बीरोल होगा क्लोजअप मूवमेंट बी रोल। इस मूवमेंट में क्या होता है कि आपको अपने कैमरा लेंस को जस्ट उस चीज के पास ले जाना है या फिर उस चीज से दूर ले जाना है। यहाँ पर सपोज करिए मेरा माइक है और इस माइक के बिल्कुल नज़दीक से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया एंड इस तरह से दूर ले आया, या फिर मैं अपना वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया इसके इतना नज़दीक ले गया, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्लोजअप मूवमेंट के अंतर आती है। तो इसको आप अगर करोगे ना तो कुछ इस तरह से आपका बीरोल आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन को स्पिन करना है कुछ इस तरह से। आप इसे स्पिन करेंगे, कुछ इस तरह से स्पिन करेंगे, या फिर कुछ ऐसा करके ऐसा, मतलब जैसे ना हम लोग अपनी क्या बोलते हैं, साइकिल या फिर मोटरसाइकिल को लहरा के चलते हैं ना, तो कुछ उस तरह से आपको ऐसा नज़दीक ले जाना है ऐसा स्पिन करते हुए, या फिर ऐसा दूर ले जाना है स्पिन करते हुए, या फिर आप स्ट्रीट पे जाते हो आपको पोल दिखते हैं तो उस पोल को आप ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से स्पिन करते हुए ऐसा रिकॉर्ड कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है। राइट नाउ मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग मेरे को देखने को मिलती है, तो फिर वहाँ पर भी मैं इसको कुछ इस तरह से स्पिन करके बीरोल निकाल लेता हूँ। Love comes in, ooh la la la. Love comes.
सो गाइज ये थे कुछ कॉमन बेसिक्स बी रोल्स जो मैंने आपको बताए। एंड जब मैंने अपना व्लॉगिंग करियर स्टार्ट किया था, जब मैंने फिल्म मेकिंग स्टार्ट करी थी, तब जाकर मुझे ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, यूट्यूब से सीखी, और फिर आज मेरा टाइम है आपको सिखाने का। अगर आप लोग भी एक न्यू क्रिएटर हैं तो आप ये चीज़ सीखें। एंड मेरे हाथ में आप देख रहे हैं GoPro Hero 7 Black, तो ये मैंने अभी हाल में ही ख़रीदा है। तो इसका एक स्टोरी व्लॉग मैंने बनाया है मेरे दूसरे चैनल पे, व्लॉग चैनल में, तो आप उसे भी देखें। एंड आई होप आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। एंड आप लोग ऐसा ट्राई करें बेसिक सा, और जो भी आप बीरोल लेते हैं ना, तो फिर मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे टैग कर सकते हैं। टैग कैसे कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में #AmyYTF या फिर #AmyVlogs लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वो मैं टैग हो जाऊंगा तो मैं वो देख लूँगा। या फिर आप इंस्टाग्राम में स्टोरी में मुझे टैग कर सकते हैं, अपने न्यूज़ फीड में टैग कर सकते हैं, जिससे मैं उन चीज़ों को देखूंगा। एंड उसके बाद अगर वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ जो मैंने सिखाया है वो आप तक पहुंचा है, तो उस वाले कंटेंट को मैं अपने वीडियो में फीचर करूंगा, जिससे आप मेरे वीडियो में आ सकोगे। तो ये प्लान कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कॉमेंट करके। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जिससे आपके व्लॉगिंग आपके ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा आपका ब्लॉग। तो वो अगर वीडियो देखना है तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करें, आप नोटिफिकेशन बेल ऑल करें, ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, बाय।